हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ नर्ड टॉक शो। आज के वीडियो में बात करने वाले लास्ट में कुछ बहुत ही जबरदस्त मार्वल एंड डीसी न्यूज़ के बारे में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेडपूल 3, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, मार्वल के चल रहे कुछ नए अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के शूटिंग के अपडेट, शज़ाम 2 के कंट्रोवर्सी के अपडेट और डिज्नी प्लस पे आने वाले कुछ सीरीज के अपडेट के बारे में। चाहे सबसे पहले हम बात करते हैं डेडपूल 3 के अपडेट के बारे में। जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि डेडपूल 3 की शूटिंग बहुत जल्द चालू होने वाली है। फिर अभी हाल ही में ऐसे कुछ रूमर्स निकलकर सामने आ रहे हैं कि लोकी के सीजन 2 के प्रीमियर के टाइम ही डेडपूल 3 की भी शूटिंग स्टार्ट होने वाली है, जहाँ की लोकी की सीरीज और डेडपूल 3 के अंदर एक बहुत ही मेजर कनेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि अभी हाल ही में कुछ बहुत ही रिलायबल सोर्स की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आने वाले डेडपूल 3 के अंदर हमें लोकी की सीरीज से मोबियस और मिस मिनट भी देखने को मिल सकती है। ऐसा बताया जा रहा है कि डेडपूल 2 के एंड क्रेडिट सीन में जो सीन हमने देखा था, जिसमें कि डेडपूल ने उस टाइम मशीन को यूज़ किया था जो कि केबल का था, उसकी वजह से टाइम में कुछ गड़बड़ होने वाली है एंड इसलिए यहाँ पर मोबियस और मिस मिनट डेडपूल के पीछे पड़ने वाले हैं। तो हाँ, आने वाले डेडपूल 3 के अंदर हमें वुल्वरीन के अलावा मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलेगा। एंड वुल्वरीन की बात हुई है तो अभी हाल ही में लोगन यानी कि हमारे ह्यूज जैकमैन के स्टंट डबल ने यह बात कंफर्म करा कि आने वाले डेडपूल 3 के अंदर डेडपूल और वुल्वरीन के बीच एक फन फाइट सीन होने वाली है, जो कि हम लोग काफी टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे थे और इसे देखना भी बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। खैर, इसके बाद हम बात करते हैं डिज्नी प्लस पे आने वाले कुछ शोज के अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले मार्वल की आने वाली एनिमेटेड सीरीज एक्समैन 97 को लेकर ये अपडेट सामने आई कि इसके विलन की कंफर्मेशन हो चुकी है। एंड आने वाले एक्समैन 97 सीरीज के अंदर, जो कि बेसिकली एक एनिमेटेड सीरीज होने वाली है, उसमें हमें मिस्टर सिनिस्टर एज अ मेन विलन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मून नाइट के सीजन 2 को लेकर ये र्यूमर सामने आई कि कैंग द कॉन्करर का एक वर्जन हमें मून नाइट के सीजन 2 में देखने को मिल सकता है, जिसे देखना लिटरली बहुत ही जबरदस्त होगा। इसके अलावा मार्वल के आने वाले 2023 के सीरीज को लेकर ये अपडेट भी सामने आ रही है कि मार्वल ने अपने इस साल के आने वाले शोज के नंबर को कम कर दिया है। जहाँ की पहले हमें 5 या फिर 6 सीरीज पूरे 2023 में देखने को मिलने वाले थे, तो मार्वल ने इसे अब कम करके 3 से 4 कर दिया है। यानी कि इस साल 2023 के अंदर अब हमें मार्वल की केवल 2 या फिर 3-4 सीरीज ही देखने को मिलेगी, जो कि मेरे हिसाब से एक तरीके से सही है, क्योंकि ऐसे में मार्वल अपने क्वालिटी पे ज्यादा फोकस कर पाएगी। नेक्स्ट हम बात करें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के एक छोटे से अपडेट के बारे में। तो अभी हाल ही में थिएटर चेन कंपनी एटम की तरफ से इस बात को कंफर्म करा गया कि आने वाले गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, जो कि मार्वल की नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट होने वाली है, उसका रन टाइम करीब 2 घंटे 29 मिनट का होने वाला है, जो कि मेरे हिसाब से डिसेंट ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्वल के आने वाले कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट के फिल्मिंग के अपडेट के बारे में। जहाँ की सबसे पहले कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट वर्ल्ड ऑर्डर की शूटिंग फाइनली स्टार्ट हो चुकी है। एंड अभी हाल ही में हमें कुछ सेट फोटोज में डैनी रेमिरेज यानी कि नए फैल्कन और हमारे एंथनी मैगी यानी कि नए कैप्टन अमेरिका देखने को मिल रहे हैं। तो वहीं पर दूसरी तरफ डेयर डेविल बॉर्न अगेन की शूटिंग से कुछ और नए सेट फोटोज भी हमें देखने को मिले हैं, जिन सेट फोटोज में न ही हम केवल यहाँ पर हमारे चार्ली कॉक्स के मैट मर्डो को देख सकते हैं, बल्कि यहाँ पर हमें नेटफ्लिक्स वाले यूनिवर्स के अंदर किंग पिन के यंगर वर्जन का रोल प्ले करने वाले एक्टर भी देखने को मिल रहे हैं। यानी कि हमें कोई फ्लैशबैक सीन देखने को मिलेगा, जिसमें कि हमें किंग पिन की वंस अगेन बैक स्टोरी दिखाई जाएगी। नेक्स्ट एंड फाइनली हम बात करते हैं शज़ाम 2 के कंट्रोवर्सी के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि शज़ाम 2 एक एवरेज मूवी थी, ऐसा हम कह सकते हैं, बट इसने जो अर्निंग की है बॉक्स ऑफिस पे बिल्कुल भी डिसेंट नहीं है। इसके बॉक्स ऑफिस के फेलियर के बाद वार्नर ब्रदर्स और इसकी क्रिएटिव टीम ने इसकी सारी जिम्मेदारी द रॉक के ऊपर दे दी है। जहाँ की वार्नर ब्रदर्स और शज़ाम 2 के क्रिएटिव टीम का ऐसा कहना है कि वो इनिशियली फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर ब्लैक एडम के यूनिवर्स से जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के कुछ कैरेक्टर को दिखाना चाहते थे, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ड्वेन जॉनसन ने इंटरफेयर करते हुए इसे होने नहीं दिया। पर्सनली मेरे को लगता है कि ऐसा कोई भी सीन नहीं है। अगर किसी भी फिल्म की प्लॉट अच्छी है तो फिल्म हिट होगी, बाकी आप पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर क्या ही रख दो, उसके लिए शायद ही कोई फैन मूवी देखने जाए। फिर आपके क्या थॉट्स है इस बारे में, आप नीचे कमेंट करके अपने ओपिनियन बताओ। बाकी फिलहाल अपन इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं और मिलते बहुत जल्द अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।